इंस्टाग्राम पर घूम रहे हैं हवस के पुजारी, नाबालिग लड़कियों पर डोरे डाल कर कर रहे हैं ब्लैकमेल। देश जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, छात्र वैसे ही इंटरनेट पर निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन इस इंटरनेट की दुनिया में कई बहरूपिये भी घूम रहे हैं। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक आईडी बनाकर लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इसके बाद अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो उनसे मीठी मीठी बातें कर उन्हें अपने जाल में फंसाने की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर इसके शिकार कम उम्र की छात्रा हो रही हैं। जिस उम्र में वह खुद को संभाल नहीं पाती, उस उम्र में उन्हें खुद से ज़्यादा किसी और पर भरोसा होने लगता है। उन्हें लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई भी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आए या मैसेज आए तो उसे ब्लॉक कर दें। देखा जा रहा है कि कई लड़कियां इस तरह से झांसे में फंस कर डिप्रेशन में चली जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वह तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दे, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। बिना डरे पूरी बात अपने माँ बाप के साथ भी शेयर करें। इससे बचने के लिए सिर्फ एक उपाय है कि आप सोशल साइट्स पर अनजान लोगों से संपर्क ना बनाएं। पुलिस के द्वारा एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी के आलोक में आईटी एक्ट के तहत में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, जो कि लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में नाबालिग लड़कियों की फोटोज प्राप्त करके उसे एडिट करते हुए न्यूड करके इसको जो है सोशल साइट्स पे डालने का काम करता था। आज ये प्रेस ब्रीफिंग रांची पुलिस के द्वारा एक सोशल अवेयरनेस के आलोक में ये रखी गई है। इस आलोक में बताना चाहेंगे कि यह लड़का का नाम जो है वो विवेक कुमार शाह मुजफ्फरपुर से की गिरफ्तारी हुई है, जो कि एक शैक्षणिक संस्थान में किसी लड़की से दोस्ती जो है करते हैं और उससे उस शैक्षणिक संस्थान की कई लड़कियों की फ़ोटो इससे मांग करके अपने पास रखते हैं। तदुपरांत उसे एडिट करके उसको फेसबुक के और इंस्टाग्राम और अन्य सोशल साइट्स पे जो है उसको अपलोड करने का काम करते थे, जिससे ये लड़कियां काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और अपने आप को बहुत ही इनको जो है मानसिक अवस्था जो है उससे परेशान हो रही थी। इस आलोक में रांची पुलिस सभी टीनेजर्स और सभी लड़कियों से एक बिल्कुल उनसे एक सलाह के रूप में और एक अवेयरनेस के रूप में इसका एक प्रचार करना चाहते हैं कि जब भी कभी किसी सोशल साइट्स पे यदि कोई अननोन पर्सन के द्वारा आपको यदि फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो आप बगैर उन्हें जाने बगैर पहचाने ऐसे व्यक्तियों से सोशल साइट्स पे आप उनसे दोस्ती ना करें। हो सकता है कि आपसे एक बार दोस्ती करके आपको मन भावन बातें करके वो आपके गलत इस्तेमाल करने के लिए आपके फोटोज आपके कुछ वीडियोस जो हैं अपने पास रख करके आपको ब्लैकमेल करने का काम और हो सकता है कि आपको किसी गहरे खतरे में डालने का काम कर सकते हैं। तो कभी भी लड़कियां जो हैं वो विशेष ध्यान रखें, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स या फेसबुक के जो प्रोफाइल्स आईडी हैं उसको लॉक करके रखें और अपने निजी फोटो को किसी भी अननोन पर्सन के साथ में जो है वो शेयर ना करें जब तक कि आप उसे ठीक से नहीं जान लेते हैं, क्योंकि आपकी फोटोज़ का गलत इस्तेमाल कई साइट्स पर किया जा सकता है। तो ये रांची पुलिस आप सभी को ये बताना चाहता है कि इस तरह के यदि किसी भी तरह का कोई मामला होता है तो आप रांची पुलिस के किसी भी थाने में आप मामला को दर्ज करा सकते हैं और रांची पुलिस आपकी गोपनीयता को रखते हुए इस पर जो है सक्षम कार्रवाई जो है विधिसम्मत कार्रवाई इस पर करेंगे और हम लोग इस पर कई थाने क्षेत्र के अधिकारियों को हम लोग ने इसमें लगाया है, जिसमें खास करके नाबालिग बच्चियों को जो टारगेट करके इस तरह के कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग फिलहाल एक लड़के को हम लोग ने पकड़ करके इसके जो विधिसम्मत कार्रवाई है न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और आगे भी हम लोग इस तरह के जितने भी केसेस हैं उसे बिल्कुल एक साथ कोलैबोरेट करके इन पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए हम लोग एक टीम का भी गठन कर रहे हैं।